गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कक्षा सातवीं विषय हिंदी, पाठ तीसरा, दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं यानी यह कहानी छोटे छोटे कहानियों पर आधारित है, जिसमें अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी का व्याख्यान किया गया है। वैसे अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी ही होगी, उसी में से यह दो छोटी छोटी कहानियां हैं। प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक ने बीरबल के बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण यानी उसके उपाय और क्षमता को दिखाया गया है। और अभी हम आगे बढ़ेंगे कहानी की तरफ। तो पहली कहानी है हरा घोड़ा। घोड़ा तो हमने सबने देखा है और सुना भी है, पर हरा घोड़ा का नाम तो शायद आपने भी सुना नहीं होगा। तो चलिए इस कहानी से देखते हैं हरा घोड़ा क्या है। तो चलो अभी हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। अकबर और बीरबल की किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, अकबर और बीरबल के किस्से यानी कहानियां बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। अकबर एक महान शासक यानी राजा थे, और बीरबल जो था वो उनके नौ रत्नों में से एक था। यानी बीरबल बादशाह अकबर के जो महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट जो नौ लोग थे, उन लोग नौ लोगों में से एक था। एक बार क्या हुआ, अकबर बीरबल के साथ घोड़े पर बैठकर बगीचे में सैर कर रहे थे, सैर यानी घूम रहे थे। तो चारों तरफ हरे भरे पेड़ देखकर वे बहुत खुश हो गए। और अभी चारों तरफ हरियाली देखकर बादशाह अकबर के मन में क्या आया कि मेरे पास एक हरे रंग का घोड़ा होना चाहिए, और मैं उसी हरे रंग के घोड़े पर बैठकर चारों तरफ घूमने जाऊंगा। फिर क्या हुआ, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें एक सप्ताह का यानी एक हफ्ते का समय देता हूँ, और उस समय में तुम मेरे लिए एक हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। यानी यहाँ पर बादशाह और बीरबल यह जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा संसार में यानी पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। फिर भी बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या कहा कि हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था कर लो यानी प्रबंध कर लो। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया यानी उनके आदेश का स्वीकार कर लिया। बीरबल मान गए कि वे हरे रंग के घोड़े की व्यवस्था करेंगे। अब बीरबल को भी पता था कि हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं, तो वह कैसे व्यवस्था करेगा। तो बच्चों अभी हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। एक सप्ताह यानी एक हफ्ते तक बीरबल इधर उधर घूमते रहे, और आठवें दिन बीरबल बादशाह अकबर को दरबार में जाकर बोले, हुजूर मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है। तब बादशाह अकबर चकित हुए यानी उसको आश्चर्य हुआ, और वे सोचने लगे कि हरा रंग का घोड़ा होता ही नहीं, तो बीरबल ने कैसे खोज लिया होगा। ऐसे वो सोचने लगे, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने उत्सुकता से कहा, बीरबल मैंने जो हरे रंग का घोड़ा बोला था वो कहाँ है, मैं उसे अभी तुरंत देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की दो शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें, बादशाह ने पूछा। तो बच्चों यहाँ पर बीरबल ने अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने कहा कि घोड़ा तो मिल गया है, पर घोड़े के मालिक की दो शर्तें हैं, इसलिए आप अभी
घोड़े को देख नहीं सकती, आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले दो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। तभी अकबर बादशाह ने कहा, कैसी शर्तें? तब बीरबल ने क्या जवाब दिया, यह अभी देखो। बच्चों, यहाँ पर बीरबल ने क्या जवाब दिया? बीरबल ने कहा कि मालिक ने पहली शर्त रखी है कि अगर आपको घोड़ा देखना है तो आपको स्वयं यानी खुद से जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त उन्होंने क्या रखी? घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, ऐसा विश्व में दूसरा घोड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे घोड़े को अगर देखना है तो एक ऐसा दिन चुनना होगा कि 7 दिनों से अलग हो। यह बीरबल ने बादशाह अकबर को कहा। और जब बादशाह अकबर ने बीरबल की शर्त सुनी तो बीरबल का वह मुंह देखने लगे, यानी वह आश्चर्यचकित हुए कि 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन हो सकता है। यह वे मन ही मन सोचने लगे। देखो, तब बीरबल ने कितनी समझदारी से समस्या का हल निकाला, क्योंकि बादशाह भी नाराज न हो जाए और समस्या भी सुलझ जाए, तो इसलिए उन्होंने 2 शर्त रखी और कहा कि अगर आपको हरा घोड़ा ही चाहिए तो ये दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। तब बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, यानी बादशाह अकबर यह शर्तें सुनकर कुछ उत्तर न दे सके। एक तरफ से वो मन ही मन बहुत प्रसन्न थे, यानी बहुत खुश थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर से मात दे दी, यानी बीरबल ने उन्हें पराजित कर लिया था, यानी हरा दिया था। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी हरा घोड़ा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समस्या का समाधान बुद्धिमानी पूर्वक करना चाहिए। इस तरह 2 लघु कथाएं इस पाठ में से हरा घोड़ा यह कहानी पूरी हो गई है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद।